काफ़ी नर्व रेकिंग है अगर आप देख सकते हो, अगर स्टेज पे भी अगर आप देख सकते हो, हम सब तो काफ़ी बहुत ही उम्मीदें लेके स्टेज पे जाते हैं क्योंकि माधुरी दीक्षित जी हैं, रेमो सर हैं, मलाइका जी हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस, तो थोड़ा नर्वस है बट वी आर ट्राइंग टू गिव अ बेस्ट एंड पुट अ बेस्ट फुट फॉरवर्ड। 12 लोग, 12 कंटेस्टेंट्स, काफ़ी टफ है। अब जिस तरह से आप देख सकते हैं हम कंटेस्टेंट्स और सब आ रहे हैं, बहुत ही टफ होने वाला है क्योंकि एक से बढ़कर एक है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक थिएटर में टीवी शो की स्क्रीनिंग होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ऊपर से माधुरी दीक्षित का ऐसे शो में होना उससे भी बड़ी बात है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ झलक दिखलाजा सीजन 4। एक्चुअली हर एक सीज़न में कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ होता है बिकॉज जो डांस फॉर्म है, सालसा, टैंगो, जाइव, इनके नाम मैंने पहले सीजन में सुने भी नहीं थे, तो अब जब ये सारे कंटेस्टेंट्स पहली बार सुन रहे हैं, सो अगेन इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर देम। कंपटीशन भी काफ़ी सख्त है बिकॉज कृष्णा इज अ वेरी गुड डांसर, रागिनी इज अ वेरी गुड डांसर, देयर आर सम गुड डांसर्स आल्सो ऑन द शो, याना बहुत अच्छी डांसर है, तो आई थिंक कॉम्पिटिशन तगड़ा होने वाला है। अभी तो हमने पहला एपिसोड ही किया है, आई थिंक धीरे धीरे पता चलेगा कौन है मेरा फेवरेट, बट एज ऑफ नाउ इट हैज़ टू बी कृष्णा, ही इज टू फनी।